आगे नहीं जाना, 6 फीट है। व्यूवर्स, एक बार पर खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर हमने जो है स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो हमने कहा हम थोड़ा सा आपको अपना पूल भी दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा लॉकर वगैरह हैं, जिसको भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसके भी पैसे चार्जेस अलग थे, लेकिन मैंने लॉकर नहीं लिया। और यहाँ पर जो है आज मेरी फर्स्ट डे थी, तो नॉर्मली स्विमिंग का अच्छा रहा, सब कुछ मज़ा भी आया। तो यहाँ पर मैं स्विमिंग करने के बाद अलाउ नहीं है, क्योंकि गर्ल्स का है खाली। तो जब सब लड़कियां निकल गई थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ से जा रही हूँ घर की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये एरिया स्केटिंग एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे जिम भी है, तो बैडमिंटन भी है, तो रैकेट्स भी खेल सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ हैं लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर आप फिट भी रह सकते हैं अपने आपको अगर जा रहे हैं। तो ये है वुमेन स्पोर्ट क्लब, ये कराची के अंदर है, नाम आप देख लीजिएगा आगे। तो यहाँ पे जो है हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैंने तो खैर सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग ली है, क्योंकि मुझे स्विमिंग का ज़्यादा शौक है, तो मैंने स्विमिंग लिया। बाकी मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको जिम दिखा देती हूँ, तो मैं जिम की तरफ जा रही हूँ। जिम इनका बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा अगर मुझे किसी वक्त ज़रूरत पड़ी जिम की, तो मैं जिम भी लूँगी, यहीं पर ही ले लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिम। इसके अलावा एरोबिक क्लासेस वगैरह जो होती हैं, उसके लिए भी रूम इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ था, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे, हर चीज़ अच्छी थी इनकी यहाँ पे इवन के। और ये देखें, मैं जिम की पूरी नहीं बनाऊंगी रूम की, इसलिए क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ मौजूद थी, तो मैंने जो है थोड़ी सी बना के जो है नीचे कर लिया था कैमरा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ मौजूद थी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एरोबिक क्लास के लिए कितनी ज़बरदस्त थी, कितना ज़बरदस्त बड़ा रूम भी था। अब मैं जो है घर वापस आ गई थी, और मैंने कहा कि ये उस वक्त तो मैंने बच्चों के साथ ट्राई किया था, मैंने कहा था ये मैं अब अलग से बना के खुद ही खाती हूँ पूरा पैकेट। तो पूरा पैकेट तो खैर नहीं बनाया था, एक इसमें से निकाल के मैंने बनाया था, और ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी इस टाइम पर। उस वक्त ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी जब मैं खा रही थी, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम इसको ट्राई करा है तो मुझे अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी सी मिर्चा तो लग रही थी, लेकिन चटपटा भी इसके भी अलग एक मज़ा आ रहा था। तो मैं इसको खा के मिलती हूँ आप लोगों से, और ये मैंने खा लिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मंतजा फातिमा जो है अपने टैप के साथ जो है काम कर रही थी, तो मैं भी इसको थोड़ा सा, मैंने कहा चलो सिखाते हैं। मैं कभी डब बना रही थी, कभी ये भी सीढ़ी लिख के दे रही थी, तंग आ रही थी। ये भी खाती चाहिए मंदिर फातिमा, रोटी भी खाती चाहिए। चल, और ए बी सी डी ई फॉर एग, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, से बनाई थी मैंने। पहले हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। को भी नहीं दिखा रही, वीडियो बना रही हूँ। चल अब आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कराची में बादल आ चुके हैं और बारिश का सीन ऑन हो चुका है। लेकिन बस ये था कि हम लोग दुआएं मांग रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि सैलाब बहुत ज़्यादा आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसमें भी अल्लाह के मसले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आखिरी मानसून का सिस्टम तो ख़त्म होने वाला है, सितंबर आ चुका है मेरे ख्याल से, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर या फिर 20 सितंबर तक, बहुत ज़्यादा सितंबर तक ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में मानसून रहता है। इसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, बारिश नहीं होंगी, सैलाब भी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी तेज़ हवाएं भी चल रही थी, कपड़े भी उड़ रहे हैं, चीज़ उड़ रही, तूफ़ानी हवाओं के साथ जो है बारिश का यहाँ पर सीन ऑन हुआ हुआ था। और मैंने कहा ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, कहीं ऐसा मेरा मोबाइल भीग जाए, तो मैंने मोबाइल जो है नीचे ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।